दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो लोगों को बहुत ही डर लगता है, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मुलेज है, अगर आपने मेरा ये लेक्चर सिस्टमैटिक देख लिया तो आपको पूरे के पूरे फॉर्मुले लर्न हो जाएंगे, और फॉर्मुले तो लर्न होंगे ही और आपको एग्जाम में भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला बेसिक आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपको एटलीस्ट बेसिक ये पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसको दो तीन बार बोलो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 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 घर पे बोलो। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मेरा सिंपल ट्रिक यहाँ पे आप देखोगे, मेरे लेक्चर्स देख लोगे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन और कोसेक मैं एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ बोलता हूं, देन कॉस और सेक एक दूसरे का हस्बैंड एंड वाइफ, एंड टेन और कॉट एक दूसरे का हस्बैंड एंड वाइफ। ये मेरा खुद का तरीका है, मैं इसी तरह से फॉर्मूले याद करता था। साइन का कोसेक है, साइन का कोसेक है, हस्बैंड साइन कोसेक वाइफ, हस्बैंड साइन कोसेक वाइफ, हस्बैंड साइन कोसेक वाइफ। कॉस का सेक, कॉस का सेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, टेन का कॉट, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉस का सेक, याद कर लो। साइन का कोसेक, ये प्लीज अभी तुरंत याद कर लो, तो आपको आगे के फॉर्मूले सब ऐसे ही याद हो जाएंगे। साइन का कोसेक, साइन का कोसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे अपॉन का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो आपको क्या करना है पता दोस्तों, सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है? हाँ सर ने बताया, साइन थीटा का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ है। कोसेक यहां बैठने की कोशिश करेगी, इसकी वाइफ यहां बैठने की कोशिश करेगी, बट एक हस्बैंड पहले क्या होता था, अब ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने लेवल पे नहीं रखता था, वो बोलता था नहीं नहीं तू मेरे लेवल पे नहीं है, तू नीचे बैठ। तो वो बिचारी क्या करेगी, बिचारी वाइफ कहां पे आके बैठती है, यहां नीचे आके बैठ जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया, वन अपॉन कोसेक। वैसे कॉस की वाइफ का नाम क्या है, सेक थीटा, तो यहां पे क्या हो गया, वन अपॉन सेक थीटा। वैसे टेन की वाइफ का नाम क्या है, कॉट थीटा, तो वन अपॉन टेन का वाइफ कौन है, कॉट है, तो वन अपॉन कॉट हो गया। तो इस तरह से आपको तीन फॉर्मूले याद हो गए। देन इसके बाद मैंने बोला है कि इस दुनिया में हमेशा सबका दिन आता है। अब क्या हो गया कि वाइफ यहां बैठी है, हस्बैंड यहां पे उसके लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, बोल रही है भाई एक काम कर नीचे जाके बैठ। तो कॉट का यहां पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, हस्बैंड चुपचाप यहां पे आके बैठ गया। सेक थीटा है तो इसके हस्बैंड का नाम क्या है, कॉस थीटा, और साइन कोसेक है तो साइन थीटा। अब देखो अपॉन के फॉर्मूले आपको तुरंत याद हो गए होंगे, अगर आपने हस्बैंड वाइफ मेरा याद किया होगा। कोसेक थीटा कौन है, उसकी वाइफ साइन, या हस्बैंड वाइफ आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो भी चलेगा, बस याद रखो कोसेक का पार्टनर कौन है, साइन है, तो वन अपॉन साइन। कॉट थीटा वन अपॉन टेन, सेक थीटा वन अपॉन कॉस, कॉस थीटा वन अपॉन सेक, कॉट थीटा वन अपॉन टेन, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन, याद हो गया। अब क्या करना है पता है, अब हस्बैंड और वाइफ, अब देखो यार एक फैमिली में रहते हैं ना, तो कभी कभार अनबन होती रहती है, कभी कभार अनबन होती रहती है, तो हस्बैंड एंड वाइफ में कभी कभार किसी बात पे हो गया फाइटिंग। अब फाइटिंग अगर हम स्कूल में दो लोग का फाइट कराते तो बोलते यस यस तू भी आ मैं भी आता हूं, यस लड़ो यस लड़ो, तो हम फाइट को ऐसे दिखाते हैं, तो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में भी फाइट हो गया। अब फाइट होने के बाद अगर हमें अपनी फैमिली को मेंटेन रखना है, तो भी अगर समझो हमारे पेरेंट्स में पापा मम्मी अनबन हो जाता है, फिर भी वो एक होते कि नहीं होते, अब तो यहां पे फिर भी वो क्या हो गया, एक हो गया। तो यहां पे अपना फॉर्मूला लर्न हो गया, यहां पे बस अपने को फॉर्मूला याद करना है। दूसरा ये हो गया, वैसे ही दूसरा तुम बना दो, खुद से बना दो, टेन थीटा, इसकी वाइफ का नाम क्या था, कॉट थीटा, दोनों ने फाइटिंग किया फिर से एक हो गए। कॉस थीटा वाइफ का नाम क्या था, सेक थीटा, फाइटिंग किया फिर भी क्या हो गया, एक हो गए। तो दोस्तों यहां पे भी आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। इस तरह से इसमें से हो सकता है कि एक फॉर्मूला आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आए, एमसीक्यू में आए, प्लीज यार इसको अच्छे से कर लेना। देन उसके बाद देन ये वाला पार्ट हो गया, तीन आइडेंटिटी याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सम सॉल्व करते टाइम यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन, वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखना है ये तीनों आइडेंटिटी, अच्छे से याद रखना है। देखो पहला वाला बहुत ईजी है, याद करा देता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट, देखो वन प्लस टेन सेक, वन प्लस टेन सेक, वन प्लस कॉट कोसेक, वन प्लस कॉट कोसेक, और ऊपर साइन और कॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको दो फॉर्मूले दूंगा, जैसे कि आपके फिल्म इंडस्ट्री में आपको पता होगा बॉलीवुड में तीन खान बहुत ही फेमस है, तो मैं हमेशा इस फॉर्मूले को हमेशा वही वाला फॉर्मूला बोलता हूँ। एक होते हैं, एक हमारे शाहरुख खान है, एक हमारे सलमान खान है, और एक हमारे आमिर खान है। तो हमेशा मैं इस फॉर्मूले का नाम वही देता हूँ, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमेशा अगर ये तीन चीज़ें जहाँ पे भी आपको दिखाई दी, तो याद रखना कि इस फॉर्मूले का यूज करके हमें सम सॉल्व करना है। कभी हो सकता है कि आपको सलमान खान और आमिर खान हो सकता है कि शाहरुख खान यहाँ पे गायब हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कभी हो सकता है कि सलमान खान गायब है तो भी ये फॉर्मूला यूज करना है। तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही फॉर्मूले का हस्बैंड वाइफ के अकॉर्डिंग कॉट थीटा इसकी वाइफ है, तो उसका फॉर्मूला जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों तो ये भी आपको सिस्टमेटिक याद हो गया है। अब ये होने के बाद अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो जनरली आपको यूज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको यूज हो सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगर समझो एक लेडी थी, थोड़ा उसका एज हो गया था, उसके कमर में दर्द हो रहा था, झंडू माम का प्रचार आपने देखा होगा ना, तो कैसे बोलती, ओह आह ओए बोलती थी, ओह आह ओए, मतलब ओह मतलब कमर में दर्द हो रहा, आह ओए, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, ओह ओह मतलब ओ हा मतलब एच होता है हनुमान वाला, आह आह मतलब ए एच, और ओए ओए मतलब क्या होता है, ओए 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 क्या कर रहा है, पेपर कैसा आ गया, तो ये उस टाइप का ओए हो गया आपका। देन ये वाला पार्ट अब मैं यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बता दूं, आपको एग्जाम में इसको पूरे फुल फॉर्म में लिखना है, बस याद तो ऐसे करना है, ओ मतलब अपोजिट साइड, ओ मतलब कौन सा साइड हो गया, अपोजिट साइड, एच मतलब हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस, और ए मतलब एडजेसेंट, ए मतलब एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सपोज एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये थीटा है और ये थीटा, ये 90 है, तो थीटा के अपोजिट वाले साइड को मैं, ये थीटा के अपोजिट जो साइड है उसको अपोजिट बोलता हूँ, 90 के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनियस, और जो बचा है उसे एडजेसेंट बोलता हूँ। जस्ट इस टाइप का अगर वन मास का कोई क्वेश्चन आया तो आपको ये भी याद रखना है। देन उसके बाद दोस्तों, ये होने के बाद आपको, अभी तो हमने हस्बैंड एंड वाइफ देखा, अब एक फ्रेंडशिप के फॉर्मूले पे आ जाओ। फ्रेंडशिप का फॉर्मूला पता कैसा है, जैसे कि देखो दोस्तों, जो लोग पास में बैठते हैं क्लास में, जनरली वो फ्रेंड होते हैं। अब वो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइन थीटा इसका दोस्त कौन होगा, इस साइन के बाजू में कौन आता है, साइन कॉस टेन कॉस आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही आपको यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस के बाजू में कौन है, साइन है, साइन के बाजू में कॉस, ये याद हो गया। सेम यहाँ पे टेन का, टेन के बाजू में कौन है, कॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट के बाजू में कौन है, टेन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन 90 माइनस थीटा। वैसे ही सेक है, सेक थीटा के बाजू में कौन है, कोसेक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक के बाजू में, कोसेक थीटा के बाजू में कौन है, सेक है, तो सेक 90 माइनस थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे ये दोस्ती वाले फॉर्मूले, अब यहाँ पे हो सकता है कि आप मुझे ये बोलो कि नहीं सर, आप जो ये फॉर्मूला दे रहे हो तो इसमें तो आप दोस्त बोल रहे हो, तो ये टेन और कॉट तो हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो दोस्तों कोई दोस्त भी हस्बैंड एंड वाइफ आगे जाके हो सकता है, आप जस्ट इसके ऊपर एनालाइज करना और कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दोस्त थे पर आगे जाके हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये दोस्ती का जो फॉर्मूला है वो भी आगे जाके क्या हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ थे, ये दोस्ती का जो फॉर्मूला था, फिर वहां पे वो हस्बैंड एंड वाइफ बन गए तो भी चलता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो साइन का दोस्त कौन है, कॉस है, कॉस का दोस्त कौन है, साइन है, मैंने बोला ना, ये तो कोई ऐसे याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक,
हस्बैंड एंड वाइफ तो आपको पता है, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, और ये दोनों दोस्त भी है, हस्बैंड एंड वाइफ भी है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसके बाद आपको आइडेंटिटी सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, टेबल थोड़ा सा याद रखना है। ये देखो थीटा, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। एटलीस्ट साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको याद ही कर लेना चाहिए। देखो, अगर आपने सेकेंड लेसन के लिए प्रिपरेशन किया होगा तो 30 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये हाफ याद होगा, 30 का साइड अपोजिट टू 30 degrees हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 degrees अंडर रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस, और 45 का एक आपको याद रखना है 1/√2। और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होती है दुनिया और 1 पे एंड हो जाती है। हो गया, आपको पूरा लर्न हो गया। देन उसके बाद जस्ट इसी को उल्टे फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, ऐसे जा रहा हूँ मैं, फिर 1/2 दिखा और फिर क्या दिखा, 0 दिखा। देन ये दोनों को डिवाइड में लिख लो, 0/1, 0/1 हमेशा याद रखना, जब भी नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइन आता है, पर अगर कभी भी नीचे 0 नहीं है तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। देन यहाँ पे देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है, 1 ऊपर से 1 बचा और नीचे से √3 बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा। यहाँ पे देखो, नीचे का 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा और नीचे 1 है, नीचे हम 1 लिखते नहीं है। देखो 1/0, मैंने हमें इसके ऊपर एक लाइव लेक्चर लिया था, बताया था कि नॉट डिफाइन कैसे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया, ये सिस्टमेटिक आपको पूरा का पूरा, इतना अगर आपने कर लिया तो ट्रिगो का बस आप सम सॉल्व करो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, सम सॉल्व करना है और ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन आपका छूमंतर हो जाएगा। अब अच्छे से सिस्टमेटिक पूरा का पूरा पढ़ाई कर लो, और आप उससे मेरे वन शॉट वीडियो भी अगर आप देखोगे तो आपका प्रिपरेशन इस लेसन का हो जाएगा, और बाकी कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये मेरा ट्रिक फॉर्मूला लर्न कराने का बहुत अच्छा लगा होगा तो नीचे प्यारा सा कमेंट करना, और इसे हो सके तो जितना शेयर करोगे, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।